अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति के का स्वरूप और उसका रूप, रूप स्वरूप और उसके लक्षण बता दिए गए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए, सिद्ध भवति अमृत भवति तृप्त भवति, सिद्धि तृप्ति अमृत अमृतत्व। उसके बाद में छठे मंत्र सूत्र में मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, और पांचवें सूत्र में यत् प्राप्य न किंचित वांछति, निगेटिव भी है, न किंचित वांछि कुछ भी इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, अन्य किसी वस्तु में रमण नहीं करता और उत्साही नहीं होता। हमने इन सारी बातों को देख लिया था, छठे मंत्र की व्याख्या लगभग समाप्त हो गई थी। वहां कहा था यद् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, मस्त हो जाता। और मैंने श्री राम कृष्ण का दृष्टांत दिया था, चैतन्य मधुर प्रभु इत्यादि का, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि के दृष्टांत दिए थे कि किस प्रकार भक्ति में श्री राम कृष्ण चल रहे हैं तो लगता है मानो नशे में पैर इधर उधर गिर रहे हैं। कैसी भक्ति होती होगी जिसको देख के शराबी, गिरीश चंद्र घोष जैसे शराबी कहते हैं कि बाप रे कितनी पी। फिर आत्मा स्तब्ध हो भवती, स्तब्ध हो जाता, जड़वत हो जाते हैं। ऐसे दृष्टांत आते हैं जब भाव का, इमोशन का उद्रेक हो जावे, अत्यधिक इमोशन हो जाए तो आदमी के हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिलते, ऐसी भी स्थिति हो जाती। और फिर कहा आत्मा रामो भवति, और किसी में आराम नहीं प्राप्त करता। हम कहां आराम करते, तकिए पर, गद्दे पे, नरम गद्दा हो, बिस्तर हो तो हम निद्रा आराम है, या फिर विषयों में आराम है, या फिर इंद्रियों में आराम, विषय कोई वस्तु प्राप्त हो गई उसमें आराम, या फिर इंद्रियों में आराम, इन द सेंसेस और इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। हम कहीं न कहीं वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन कहां पर, हम आराम प्राप्त करते हैं कहां पर, रेस्ट प्राप्त करते हैं। हमको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए कि हमारा आराम कहां है। बच्चे का आराम माँ में, माँ की गोद में, और कहीं भी खेलेगा लेकिन सबसे ज्यादा उसको शांति तृप्ति आराम जो है वो माँ की गोद में होता है। इधर उधर खेलेगा, माँ बुलाएगी तो नहीं आएगा, खेल में मस्त है, कुछ खाने को दे दिया, खा लिया, फिर चला गया। लेकिन जब बाद में पूरा थक जाएगा तब कहां जाएगा, और कहीं नहीं, माँ के पास जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, और कहीं, जस्ट माँ की गोद के सिवा और किसी वस्तु की उसको आवश्यकता नहीं। दैट इज द लास्ट स्टोर। हमें देखना है कि हमारे जीवन में कहां पर अंतिम रिलैक्सेशन कहां होता है। क्या हम अपने ईगो पर डिपेंड करते हैं, कुछ हमें नाम यश मिल गया उससे ही संतुष्ट होते हैं, कहां होते हैं? तो यह व्यक्ति आत्मा राम है। और हमने अवधूत गीता में भी देखा था, अवधूत ने बालक से कुछ सीखा, और बालक से क्या सीखा, बालक से उसने सीखा आत्मक्रीड़ा आत्मराम, अपने से ही खेलता है, और आत्माराम अपने में तृप्त रहता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कहीं और आराम खोजता नहीं, बच्चा अपने में ही मस्त है, अपने से सीखे। बहुत अच्छा एक ये सर मेडिटेशन के लिए, एक ध्यान के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए ये बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। आत्माराम, हम आत्माराम हों
किसकी आवश्यकता है संसार में? अपने मन से आनंद में रहे, अपने में ही डूबे रहे। श्री राम कृष्ण को देखा, कई बार बैठे हैं आत्मा राम गंगा के किनारे वो घाट पर अपने में तन्मय होकर बैठे। इस प्रकार से अपने में ही तन्मय होकर बैठे रहना, ऐसा व्यक्ति यह होता है जो भक्त होता है वह आत्माराम होता है। इतना हमने कर लिया था, अब इसके आगे थोड़ा चलें। सातवां सूत्र है, सा न कामयमाना निरोध रूपत्व। इसका पाठ हम कर चुके हैं। सा यानी भक्ति, कामयमाना न, वह कामना वाली, किसी कामना की पूर्ति में उपयोगी न नहीं है। भक्ति के द्वारा कोई कामना की पूर्ति नहीं होती, क्यों? निरोध रूपत्व, उसका रूप ही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? वह निरोध रूप होने के कारण। स्वामी विवेकानंद इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं, इट कैनॉट बी यूज टू फुलफिल एनी डिजायर, इटसेल्फ बीइंग द चेक टू ऑल डिजायर्स। समस्त कामनाओं वासनाओं को निरोध करने के कारण भक्ति से कोई कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। यहां से निरोध का स्वरूप क्या है इत्यादि दो तीन सूत्रों में समझाया जाएगा। इसको हम निरोध प्रकरण कह सकते हैं, निरोध अधिकरण, एक सेक्शन जो निरोध को बताता है। पातंजल योग सूत्र में हमने पढ़ा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और उसके बाद में उसकी व्याख्या हुई थी, निरोध को नहीं बताया, उसके बाद चित्त वृत्तियां क्या हैं और उसका निरोध कैसे होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, वहां पुनः कहा अभ्यास और वैराग्य के बाद के द्वारा उसका निरोध होता। तो वहां पर दो टेक्निक्स बताई गई, लेकिन यहां पर भक्ति, भक्ति में अभ्यास और वैराग्य दोनों का समावेश हो जाता है, इसलिए निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भक्ति निरोध रूपी ही है, योग में अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरोध करना पड़ता है, लेकिन भक्ति तो स्वाभाविक रूप से निरोध होती है। बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र है यह। इसका अर्थ यह है कि अगर हम सोचें कि भगवान से प्रार्थना भक्ति करेंगे तो हमको कुछ न कुछ मिलेगा, भगवान से प्रार्थना हम काहे के लिए करते हैं? ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य, एक प्रार्थना ये करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग धन दो, मेरे पुत्र को नौकरी दिला दो, प्रार्थना करता है एक व्यक्ति कि मेरे मुझे कॉलेज जाना है, परीक्षा देने जाना है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान पेपर मेरा जरा अच्छा हो जाए। एक एक सटायर इसके ऊपर, एक कोई प्रसिद्ध लेखक हुए हैं इसी तरह के हिंदी में, उनका एक उन्होंने एक पेपर लिखा है पूरा एक पेपर, उसमें लिखते हैं कि एक बच्चा कॉलेज जा रहा है परीक्षा देने के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए जाता है, प्रभु मेरा पेपर अच्छा होगा। भगवान कहते हैं अच्छा। एक एक माता मंदिर में गई, उसका बीमार बच्चा बीमार है, प्रार्थना की है, माँ हे भगवान मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, भगवान ने कहा अच्छा। एक जुआरी है, जुआ खेलने जा रहा है, उसने प्रार्थना की कि भगवान आज मैं जुए में जीत जाऊं, ठीक है अच्छा। एक डाकू चोरी करने रात को जा रहा है, उसने प्रार्थना की कि भगवान मैं न पकड़ा जाऊं। सब प्रकार के, आप देखिए भगवान से कितनी कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हो सकती हैं, वो 15-20-25 उन्होंने बता दिए। फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ गए, सब सुन लिया, और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी जी के पास जाकर कहा कि देवी कुछ आपके पास में अच्छा ताजा तेल है क्या? हाँ ताजा तेल है, तेल और रुई, हाँ रुई है, क्या तेल डाल दो जरा कान में, तेल डाल के दोनों कान में तेल डाल के रुई लगा के, अब तेल अगर डाल दो तो बिल्कुल कुछ नहीं सुनोगे, रुई लगा के, तेल डाल के रुई लगा के भगवान जो सोए हैं तो अभी तक सोए। ये एक सटायर किया, जो भी किया, लेकिन इसमें सत्य है, सत्य है,
कहा है कि हम क्या चाहते हैं, हम भगवान से अनेक चीजें चाहते हैं, सब चीजें चाहते हैं, ये भक्ति नहीं है। अवश्य भगवान गीता में कहते हैं कि चार प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। श्रेष्ठ भक्त कौन है उसकी चर्चा अलग करते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्त कई हैं, कौन है वो द्वादश अध्याय में कहा, यो न द्वेष्टि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सुख दुख समक्षमी संतुष्ट सततम योगी समय युक्त तमो, मेरा भक्त सबसे अच्छा भक्त है ये मेरा। वो पूरा उन्होंने द्वादश अध्याय में श्रेष्ठ भक्त का वर्णन किया है। लेकिन दूसरे भी भक्त हैं, भगवान उनको ना नहीं करते। अगर कर दिया जाए तो कोई भगवान के पास नहीं जाएगा। अभी मैं दो दिन पहले भारतीय विद्या भवन में गया, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, इंडियन कल्चर, उनको इंडियन कल्चरल हेरिटेज कंपल्सरी उनको पढ़ना पड़ता है 100 मार्क्स का, तो मुझे कहा था लेक्चर देने के लिए, मैंने लेक्चर दिया। तो मैंने कहा धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है बताया। तो उसके बाद में उसने एक बाहर जब आया तो क्वेश्चन आंसर हुए, तो एक लड़की ने पूछा कि स्वामी जी जो धर्म है वो तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है, रियल रिलीजन है। तो मैंने कहा नहीं, रिलीजन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जो स्पिरिचुअलिटी आप बोलते हैं वो तो मिस्टिकल डायमेंशन हुआ, जिसमें भगवान के दर्शन वगैरह की बात करनी चाहती है। एक इंक्वायरी इनटू सेल्फ, आत्मनिरीक्षण, आत्मानुभूति या ब्रह्मानुभूति या ईश्वर दर्शन के लिए प्रयत्न, ये धर्म का एक पक्ष है। उसका सामाजिक पक्ष है, उसका नैतिक पक्ष है, उसके रिचुअलिस्टिक पक्ष भी है, राजनीति भी है। अगर आप केवल कहें कि आत्म साक्षात्कार ही धर्म है तो 90% लोग अधर्मी हो जाए, विधर्मी हो जाएंगे, धर्म रहित हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण तो यही कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ देर इज ए गॉड वी मस्ट सी गॉड, इफ देर इज ए सोल वी मस्ट एक्सपीरियंस सोल, अदरवाइज वी आर एथिस्ट, तब नहीं तो हम नास्तिक ही। लेकिन अगर सोशियोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो धर्म एक बड़ा व्यापक शब्द है, और उसके अंदर श्रद्धा से लेकर उसका श्रद्धा का परिणाम हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर और समाज पर जो सारा होता है, सबका सब धर्म के अंदर आ जाता है। तो भगवान ने भक्तों में से चार प्रकार के भक्त माने, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी हैं, जो कष्ट में है और भगवान से कहते हैं प्रभु रक्षा करो, और जो इच्छा कामना वाले हैं वो कहते हैं कि भगवान हमारी कामना पूरी करो, भगवान कहते हैं ओके, वो भी ठीक है, स्वीकार करो। लेकिन जहां तक सच्ची भक्ति का प्रश्न है, वहां पर कामना की बात है। श्री रामकृष्ण के पास में वो एक हाजरा महाशय रहा करते थे, श्री रामकृष्ण के गांव के पास में ही रहते थे, तो वो श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे, रहते थे, और वो कहते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, अगर भगवान की भक्ति की जाए तो वो ऐश्वर्य भी देते, भगवान और उनका ऐश्वर्य। श्री रामकृष्ण बड़े चिढ़ते थे, अरे ये क्या। लेकिन उनका ये, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी, कुछ कर्जा था, और इसलिए सोचते थे कि भगवान की अगर पूजा आराधना की जाए तो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को भी पूरी कर देंगे। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति क्या नहीं है, वो कामयमाना नहीं, कामना से उसका कोई संबंध नहीं। और यहां पर शब्द यूज किया है कामयमाना, काम शब्द का उपयोग किया गया है। और कभी कभी प्रेम और काम के बीच अंतर समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। काम स्वार्थ होता है, स्वयं की इच्छा और वासना की पूर्ति, यह हुआ काम। लेकिन दूसरे की इच्छा की पूर्ति, यह प्रेम। तीन प्रकार के प्रेम का वर्णन आता है। एक है स्वयं के सुख के लिए, खुद का सुख और दूसरे का किसी का सुख नहीं। और उसके दृष्टांत में आपको कई बार बता चुका हूं कि एक पिता एक बच्चे को खूब प्यार कर रहा है, गोद में लेके खूब चुंबन कर रहा है, लोग कहते हैं आ हा हा कितना प्रेम है। लेकिन बच्चे के पिता के जो दाढ़ी के बाल हैं वो बच्चे को चुभ रहे हैं और बच्चा रो रहा है,
ये क्या प्रेम हुआ? ऐसे प्रकार के प्रेम के कारण ही आगे चल के बचपन बच्चे के दिमाग में इम्प्रेशन पड़ता जाता है कि ये पिताजी तो हमको कष्ट ही देने वाले हैं, आगे जाके माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ, 100% स्वार्थ। और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने पर देखेंगे कि ये स्वार्थ कई जगह पे ये दिखाई देता है। दूसरा है प्रेमास्पद का सुख, उसको देखना और स्वयं का भी। और तीसरा प्रेमास्पद का ही सुख और कुछ नहीं। अब इसके पर चर्चा मैं शायद कर चुका था, थोड़ा सा रिपीटिशन हो रहा है, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन तो भी यह इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब आगे कहते हैं भक्ति में क्या है, वो तीसरे प्रकार का प्रेम है, केवल प्रेमास्पद को प्रेम करना, भगवान को प्रेम करना, उसी के को ही प्रेम करने का प्रयत्न करना। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण गोपियां। मान्यता यह है कि गोपियां जो कुछ कार्य करती थी वो भगवान के को प्रसन्न करने के लिए, वे श्रृंगार करती थी तो भी सोचती थी कि हमारे श्रृंगार से भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे प्रति आकर्षक हो, आकर्षण हो या न हो कोई बात नहीं, हमें भगवान भगवान हमें याद करें या न करें ये भी नहीं। और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमें मिलता है मां शारदा के संबंध में, और उस पर निवेदिता ने एक कमेंट किया, उसको वह बताना चाहता हूं। निवेदिता कहती हैं कि मां शारदा अत्यंत लज्जाशीला थी, और श्री रामकृष्ण के पास भी जब जाती थी और उनकी सेवा करती थी तो भी घूंघट निकाल कर। और निवेदिता अपनी कमेंट्री करती है, अपनी व्याख्या करते हुए कहती है कि मां शारदा केवल यही चाहती थी हैं कि श्री राम कृष्ण की सेवा हो, वे प्रसन्न रहें, वे यह भी नहीं चाहती कि श्री राम कृष्ण मेरा चेहरा देखें और मुझे याद रखें। कितनी ऊंची बात, स्वयं का किंचित मात्र भी सुख नहीं। ये प्रेम, वास्तविक प्रेम ये होता है। और इसीलिए स्वामी प्रेमानंद जी की कहानी मैं सुना चुका हूं कई बार, कि प्रेम जो है वो मानो अपना सिर देना, अपने संपूर्ण स्वार्थ को निछावर करना, यह है प्रेम। प्रहलाद की प्रार्थना, प्रहलाद से जब भगवान अवतीर्ण हुए नरसिंह रूप में, बड़े उग्र रूप में, सब देवता थर थर कांपने लगे, पृथ्वी के जितने लोग कांपने लगे, तब उन्होंने क्या किया, वो प्रहलाद को कहा भैया तू जा, तू जा। भगवान ने प्रहलाद को देखा और प्रहलाद को देख के एकदम शांत हो गए। और वर्णन आता है भगवान तो पशु का रूप लिया था ना, उसको चाटने लगे, उसको चाटने लगे, वही उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव, उसको चाटने लगे, गोद में लेकर चाटने लगे, प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने कहा कि वर मांगो, जो चाहो वो वर मांगो। तो प्रहलाद के मन में आया कि उन्होंने मुझे क्यों कहा वर मांगो, इसका अर्थ है कि मेरे में कहीं न कहीं मेरे मन में वासना है, इच्छा है, जो है ना, कोई कामना वासना। और प्रहलाद तो श्रेष्ठतम भक्तों में है। अभी हम जो पढ़ते हैं ना, अभी जो श्लोक पढ़ा उसमें प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, प्रहलाद पहला नाम शब्द प्रहलाद के। तो प्रहलाद क्या प्रार्थना करते हैं, प्रहलाद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संभवतः मेरे मन में कोई वासना कामना है जिसके कारण आपने मुझे वरमांगने को कहा, तो प्रभु यही कीजिए कि मेरी समस्त कामना वासनाएं नष्ट हो जाए, समस्त कामना वासनाएं नष्ट हो जावे, अंकुरित ही न हो, ये उन्होंने प्रार्थना की। अब इसको काम से भिन्न क्यों कहा, थोड़ा सा काम को समझ लेना चाहिए। काम की बहुत सारी समस्याएं, एक तो विषय चिंता से मन अशांत होता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है, और इच्छाएं इंद्रियों के भोग में रुचि परिवर्तन, रसगुल्ला खाइए तो उसके बाद में सब जगह सब समय अच्छा नहीं लगता, एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, फिर नहीं, रोज रोज अगर आए तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी विषयों की रुचि बदलती जाती है, विषय पुराने हो जाते हैं, और जितना सुख है इंद्रियों में सब क्षणिक है, यह चीज अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इसलिए
भक्ति निरोध रूप होते हुए भी कितनी कल्याणकारी है, जो समस्त कामना वासनाओं से हमें मुक्त कराती है, यह समझ लेना चाहिए। भक्ति का सच पूछा जाए अर्थ ही सेवा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति होने पर विषय त्याग अपने आप हो जाता है, देह सुख आदि की चिंता नहीं रहते, वे सब अनित्य रखते हैं। श्री रामकृष्ण और बड़े एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे बाघ शेर जो है बाघ बकरी और इत्यादि जानवरों को खप खप करके खा जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ वह काम क्रोध आदि जितने हैं उनको खप खप कर सबको खा जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रेम के दो लक्षण, एक संसार की विस्मृति हो जाती है, बाह्य जगत शून्य दिखता है, और यही नहीं स्वयं के देह की भी विस्मृति हो जाती है, अपने देह का भी उसको स्मरण नहीं होता। यह है सच्ची सच्ची कामना, ये प्रेम या भक्ति का लक्षण। और तुलसीदास जी भी कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी कबहु न होत है रवि रजनी इकट्ठा। तो ये तो हुआ कामना का रूप और भक्ति का रूप। अब देखें ये निरोध रूप क्यों है। निरोध जैसे हमने चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध में कहा है, हमने दृष्टांत दिया था कि चित्तवृत्ति निरोध यानी क्या, कि चित्तरूपी नदी एक तरफ प्रवाहित हो रही है, अब इसको क्या करना है, उसको वैराग्य के बांध डालकर उसको अभ्यास की तरफ एक दिशा में भगवान की ओर लगाना है। तो निरोध है वैराग्य, उसको रोकना है। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति में निरोध स्वाभाविक हो जाता है, संसार के प्रति मन जाता ही नहीं, जैसा अभी कहा वैराग्य की आवश्यकता नहीं, भगवान में मन लगाइए तो संसार से ऑटोमेटिकली निरोध हो जाएगा। भगवान मानो निरोध करा देते हैं, अगर सच्चा सच्चा कोई भक्त हो तो वो भगवान उसको अशुभ में जाने ही नहीं देते। ऐसे कई दृष्टांत हैं कि भगवान का भक्त है वो कुछ बुरा काम करना चाहता है और वो नहीं कर पाता। एक छोटा सा दृष्टांत है, वो भक्त का दृष्टांत नहीं है, वो है गुरु का दृष्टांत। एक युवक मद्रास से कलकत्ता गया, स्वामी शिवानंद जी महाराज जो महापुरुष महाराज वो प्रेसिडेंट थे उनसे दीक्षा लेने, तो उसके अंकल उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ। और एक अंकल संसारी नहीं थे, वो विषयी थे, सब खराब जगह जाना शराब पीना सब थे, तो चलो मैं भी चलता हूँ, तो चलो चले गए। उनको कुछ नहीं, जा घूमने जा रहे हैं कलकत्ता जा रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं, ये तो अपने स्पिरिचुअल पर्पज से जा रहे हैं। बेलूर मठ गए, सब जगह घूमा, महापुरुष महाराज के पास गए, महापुरुष महाराज ने प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे दीक्षा दी, ठीक है दीक्षा हो जाएगी कल हो जाएगी। और उनके अंकल से पूछा है तुम भी दीक्षा लोगे क्या, देखिए हाँ ले लो ठीक, उसको क्या लेना देना क्या है दीक्षा क्या नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन हो गई दीक्षा, ठीक है दीक्षा हो गई, जब करना हो जाए। उसके बाद वापस लौट गए। उसके बाद क्या होता, जब कभी उनमें गलत जगह बुरी जगह जाने की इच्छा उठती, वो संकल्प कोई भी पूरा ही नहीं होता, कोई न कोई बाधा आ जाए। वो भोग करना चाहते हैं लेकिन जब भी प्रयत्न करते कोई न कोई बाधा आ जाती, हो ही नहीं पाता था। ये तो गुरु शक्ति या गुरु कृपा का मैंने दृष्टांत दिया। अगर गुरु शक्ति और गुरु कृपा से ऐसा हो सकता है तो सच्ची भक्ति में क्यों नहीं होगा। सब भक्ति व्यक्तित्व के समग्र व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकती है।
तो तात्पर्य यह है कि अगर भक्त समाहित हो, भगवान के भाव में विलीन हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका मन उधर जाएगा ही नहीं। और अगर वह संसार में सच्चा भक्त अगर आंखें खोले विक्षिप्त व्युत्थान की स्थिति में है, तो वह सर्वत्र भगवान को देखता है। समाहित हो तो अपने हृदय में भगवान को देखता है, आंखें खोल कर देखे तो सर्वत्र भगवान को देखता है। तो इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य उसमें दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा निरोध रूपत्वा। अब आठवें सूत्र में कहते हैं निरोध क्या है, निरोध की परिभाषा। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, पढ़िए। निरोधः तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोध किसे कहते हैं? एक शब्द जैसे पातंजल योग सूत्र में था, एक शब्द आता है तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब निरोध की व्याख्या कर रहे हैं। निरोध क्या है? लौकिक और वैदिक समस्त व्यापारों का त्याग, न्यास यानी त्याग। लौकिक व्यापार संसार के जितने भी कर्म हैं, कर्तव्य कर्म जिसे हम कहते हैं, और वैदिक कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि, सांसारिक कर्म अर्थ काम की चिंता इत्यादि, यह सब का त्याग, इसको कहते हैं निरोध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं संन्यास, निरोध को कहते हैं संन्यास इज गिविंग अप बोथ द पॉपुलर एंड स्क्रिप्चुरल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। ओके, दिस इज स्वामी विवेकानंद डेफिनेशन। त्याग, संन्यास का अर्थ क्या क्या है? कई है, न्यास, संन्यास, समर्पण। भगवान गीता में पूछते हैं, करते हैं, गीता में अर्जुन पूछता है अठारहवें श्लोक चैप्टर में कि मैं संन्यास और त्याग का अर्थ में पुनः सुनना चाहता हूं आपसे। और भगवान गीता में कहते हैं कि देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि सब कर्मों का त्याग संन्यास है, कुछ लोग कहते हैं काम कर्मों का काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है, कुछ लोग कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग वो भी करना है। लेकिन भगवान फिर बात कहते हैं क्या कि यज्ञ दान और तप को छोड़कर तक इनको कभी त्याग नहीं करना, इन कर्मों को यज्ञ दान और तप न त्याज, इनको करो लेकिन निष्काम भाव से करो, उनको फल को सर्व कर्म फल त्याग करके कर्म करो, वह त्याग, ये मेरा मत। भगवान इस तरह से बात करते हैं। प्रत्येक कई जगह पर उन्होंने कर्म के फल को त्याग करने को त्याग संन्यास कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं समस्त कर्मों का त्याग कर देना, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या कहा है, निरोध यानी भगवत भक्त ऐसा हो जाता है कि उसके कर्म अपने आप छूट जाते हैं। सांख्य के अनुसार क्या है निरोध का अर्थ या त्याग का अर्थ? प्रकृति और पुरुष का भेद करना। मैं पुरुष हूं, प्रकृति से भिन्न हूं, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। वेदांत के अनुसार क्या है? वेदांत के अनुसार कहते हैं विचार के द्वारा कर्म को उसके कारण में लीन करना। प्रकृति ग्रेजुअली विचार के द्वारा, नेति नेति के द्वारा आत्म तत्व तक पहुंचना, इसको कहा गया त्याग। भक्ति में क्या है? परमात्मा का चिंतन, प्रकृति का चिंतन नहीं, परमात्मा का चिंतन करो तो प्रकृति अपने आप छूट जाती है, सभी उसी में समर्पित। काम की पूर्ति के लिए कहे कितने जितने भी कर्म हैं उनको हम लोक व्यवहार लोक व्यापार कह सकते हैं, यानी हम अपनी कामनाएं इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सकाम कर्म जो करते हैं वो हुआ लौकिक। वेद व्यापार क्या है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, जिसको हम कर्मकांड कहें। नित्य कर्म क्या है? पहले नित्य कर्म में संध्या वंदन करना पड़ता था। नैमित्तिक कर्म, आज एकादशी है तो एकादशी का व्रत किया या फिर श्राद्ध का कुछ किया, ये जो निमित्त विशेष विशेष व्रत आते हैं, अभी नवरात्र आने वाला है तो नवरात्र में व्रत होगा, इसको कहा नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म। उसके बाद में है प्रायश्चित कर्म, कुछ हमने बुरा काम किया उसके लिए प्रायश्चित करते हैं।
अब इसके अतिरिक्त साधना में क्या उपासना है, वो भी कर्म के अंतर्गत आ गए। शमदम उपरति तितिक्षा का अभ्यास करना और उपासना करना, शिक्षा विज्ञान समाज कार्य आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाते। लेकिन भक्त में क्या होता है, लोक व्यवहार और वैदिक व्यवहार ये सब के सब त्याज हो जाते। भगवान गीता में कहते हैं यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी दधासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष मदद कर। जो भी करो वो भगवान को समर्पित करो, ये साधन पद्धति कही गई। लेकिन भक्त में ये स्वाभाविक रूप से होता जाता है, उसने तो पूरी तरह त्याग ही कर दिया है। गोपियां भगवान के पास पहुंची, वो गोपी गीत वगैरह जो है उसका 10th chapter में अपने 10th skandh में जहां पर वर्णन है कि भगवान जब मुरली बजाते हैं तो सब गोपियां आ जाती हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम जाओ अपने पतियों की सेवा करो, इतनी रात को यहां पर आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो गोपियां क्या जवाब दी, वो कहती हैं कि चित्त तो घर में था, चित्तम सुखेन भगवता अपहृतम गृहेषु, घर में था आराम से था, तुमने चित्त को तो हरण कर लिया, और हाथ संसारी कर्मों में थे, कर्म में लगे हुए थे, अब अवश हो गए, हेल्पलेस, पैर तुम्हें छोड़कर कहीं चलना नहीं चाहते, और तुम कहते हो घर जाए, हमारे चित्त तो हरण हो गया, हाथ अवश हो गए, पैर तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। भक्त यदि सच्ची भक्ति हो तो इसी प्रकार से समस्त व्यापार, समस्त ये तो लौकिक व्यापार, उन्हें कर्तव्य कर अपने पति की सेवा, पुत्र की सेवा, इन सब की सेवा करनी है, उस सब को छोड़कर वो सारे के सारे वो बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। भक्ति में यही परिणाम होता है कि वो अपने आप सारे कर्म छूट जाते हैं। श्री रामकृष्ण का हुआ था, श्री रामकृष्ण की तो ऐसी स्थिति हुई कि वो कर्म करना चाहते थे, माता की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वे तर्पण करना चाहते थे, लेकिन गलित हस्त अपने हाथ उनके अपने आप खुल गए, उसमें वो जल ले ही नहीं सके, कर्म अपने आप छूट गए थे। कर्म का दिन रात अगर आप चिंतन करो भगवान का, तो फिर संध्या की क्या आवश्यकता। एक बड़ा सुंदर भजन है, मन भज काली जिस प्रकार से हो भगवान का नाम करो, और उसके बाद में है संध्या होम जप यज्ञ, उसके मन में नहीं आते मदनेर याग यज्ञ ब्रह्ममयी यागा रंगा पाए। जो अगर वो भगवान का चिंतन करता है तो माँ जगदम्बा के जो पैर हैं उसी में याग यज्ञ इत्यादि सब हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति का स्वरूप है निरोध, और लोक वेद व्यापार जो संसार के कर्म हैं वो पूर्ण रूप से छूट जाते हैं। इसके दृष्टांत बहुत सारे भक्ति शास्त्र इसमें सूफियों में भी आते हैं, बहुत सारे संतों के वर्णन हैं, शिबली और मंजूर हल्लाज इत्यादि, वो वहां पर मुसलमानों में तो शरीयत को बहुत महत्व देते हैं, शरीयत यानी जो लॉ है, ले डाउन लॉ जो है उसके अनुसार तुमको करना है, और ये जितने लोग थे ये सब उसका उल्लंघन करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो उसका उल्लंघन करते हैं, और उसके बाद में जो मौलवी इत्यादि रहते हैं जो धर्म के इन्हें जो लीडर्स होते हैं उनके कारण उनको अत्याचार सहन करना पड़ता है। शिबली मंजूर हल्लाज को तो उन्होंने मार ही डाला था, काट दिया था, गला काट दिया था उसको, सूली पे चढ़ाया उसके बाद गला काट दिया। वो कहता था अनलहक क्या रे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, तो ये तो इस्लाम धर्म के बहुत विरुद्ध है। और कहते हैं ऑफकोर्स कहानी है, उसका जब गर्दन काटी गई जो पान जो खून गिरा तो उससे वो अनलहक दिख गया, वो इतना ज्यादा उसमें था कि इस प्रकार की मिराकल्स वगैरह होते थे। तो श्री रामकृष्ण भी इस प्रकार की बात कहते थे, वो एक प्रकार से कहते थे कि जब भक्ति बढ़ती जाती है तो क्या होता जाता है, जैसा मैंने कहा भी था कि जैसे पहले तो कहता है गाना गाता है निताई अमार माता हाथी, निताई मेरा मस्त हाथी है,
और फिर भजन करते 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 हाथी हाथी हाथी, उसके बाद हा और उसके हाथी हा, उसके बाद हा सा रह के बस सब छूट गया। लेकिन दूसरा दृष्टांत और भी अच्छा है श्री राम कृष्ण का, कि जब गर्भवती स्त्री होती है तो धीरे धीरे उसके कर्म छूट कम होते चले जाते, और उसके बाद में जब 9 मास हो गए तो बहुत कम कम हो गए, और जब बच्चा हुआ तो बच्चा लेके रहती है, बाकी काम दूसरे लोग करते हैं। श्री राम कृष्ण और कहते हैं, जब भंडारे में आप जाएंगे तो पहले जब तक खाना नहीं परोसा गया तब तक बहुत हवल्ला होता है, बातचीत हो रही, गपशप हो रही है। जब खाना परोसा जाता है तो धीरे धीरे कम हुआ, जब खाना खाते हैं तो केवल सुप सुप खाने की आवाज होती है, और खाने के बाद जब सो गए तो समाप्त। तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे भगवान की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये हमारे कर्म जो हैं वो छूटते चले जाएंगे। तो यहां पर हमने आज 2 सूत्रों को किया, सान कामन वाया कामयमाना निरोध रूपत्वा और निरोध लोक व्यापार न्यास। इसके बाद में एक दूसरा सूत्र कहेंगे, निरोध का ही स्वरूप बताएंगे, तस्मिन अनन्यता तत् विरोधीषु उदासीनता च, च यानि और निरोध का अर्थ यह भी है कि परमात्मा में ईश्वर में अनन्यता और उनके विरोधियों के प्रति उदासीनता। इस सूत्र की चर्चा हम अगली बार करेंगे, आज एकादशी है और इसलिए आज 6:15 बजे आरती होगी, इसलिए इसको हम अभी बंद कर रहे हैं। अगली बार यानी अगले रविवार को तो मैं बाहर रहूंगा, तो उसके बाद वाले रविवार को पुनः हम नारद भक्ति सूत्र लेंगे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि।